हेलो दोस्तों, महेंद्र ऋषि यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ विंडोज़ कंप्यूटर के बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रिक शेयर करने वाले हैं। तो कौन सा ट्रिक है, चलिए सबसे पहले हम लोग वो दिखा देते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो दोस्तों, अगर हम अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर माउस के राइट क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इधर आपको जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होता है वो देखने को मिलेगा, व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, अनडू वगैरह, ठीक है। लेकिन इधर दो ऑप्शन आपको अलग दिखेगा मेरे कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में आपको नहीं दिखेगा। जैसे कि एक क्रोम बटन है और एक नोटपैड बटन है, ठीक है। तो अगर हम नोटपैड पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि नोटपैड ओपन हो रहा है। अगर हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके क्रोम पर क्लिक करते हैं तो क्रोम ब्राउजर ओपन हो रहा है। तो बेसिकली यही मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप कैसे इस टाइप के कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट क्लिक मेनू में ऐड कर सकते हैं। मैंने दो किया है, आप दूसरा किसी भी सॉफ्टवेयर को जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसको आप राइट क्लिक में ऐड कर सकते हैं। तो ये काम आप कैसे करेंगे, चलिए वीडियो में देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख चुके हैं myhindutrix.com वेबसाइट पर। तो अगर आपको यह आर्टिकल पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया है। तो चलिए हम लोग अभी वीडियो में देख लेते हैं कि आपको ये जो है जो राइट क्लिक मेनू पर किसी भी एप्लीकेशन को ऐड करने के लिए आपको क्या कुछ करना है। तो आपको इस काम के लिए सबसे पहला जो काम करना है वो कि अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से विंडोज़ की प्लस आर को दबाना है। उसके बाद आपको इधर लिखना है एक कॉमेंट, वो है कि REZEDIT, ठीक है, रेजिट आपको ये लिखना है। इसको लिखने के बाद सिंपली आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो है रजिस्ट्री एडिटर ऑप्शन खुल जाएगा। इधर से आपको सिंपल सा आपके सामने इस टाइप का ओपन होगा। तो आपको अभी जो करना है, आपको ये जो एज की क्लासेस जो रूट ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन, इसके बगल में जो एरो की है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारा फोल्डर ओपन होगा, किसी भी एक को सिलेक्ट करके आपको इधर डायरेक्टरी सर्च करना है, ठीक है, इस टाइप से। तो जब भी आप ये थोड़ा बहुत सर्च करेंगे DIRECTORY, आप DIREC लिखेंगे या फिर DIRE लिखेंगे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये इस जगह मिल जाएगा, इस टाइप से, ठीक है, डायरेक्टरी। तो आपको सिंपल सा डायरेक्टरी का जो राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में जो एरो की है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो आपको बैकग्राउंड के जो बगल में दोस्तों एरो की है इसके अगर बगल में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा, आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक सेल और एक सेल एक्स नाम का। तो आपको जो SHELLL जो ऑप्शन है ये जो है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद न्यू, उसके बाद की पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी आपके सामने न्यू की आ गया है, आपको इसको रीनेम करना है। रीनेम करके आप राइट क्लिक के अंदर जो प्रोग्राम को ऐड करना चाहते हैं उस प्रोग्राम को आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक मीडिया प्लेयर ऐड करूँगा, VLC, ठीक है, मैं VLC लिख देता हूँ। VLC लिखने के बाद हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से जो है क्रोम और दोस्तों नोटपैड को ऐड कर चुके हैं, इसलिए हम दूसरा एक कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस है, आप जितना मर्जी कर सकते हैं। अभी आपको VLC हो गया, अभी आपको फिर से VLC के ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद फिर से न्यू, उसके बाद फिर से की पर क्लिक कर देना है। अब इधर आपको लिखना है कमांड COMMAND, कमेंट, ठीक है। कमेंट लिखने के बाद आपको सिंपल साइज को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर जो डिफॉल्ट बटन है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद मॉडिफाई बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी आपको इस टाइप से रखने के बाद आप जिस प्रोग्राम को, अभी मैं जो VLC को ऐड करना चाहता हूँ, आप अगर दूसरा किसी सॉफ्टवेयर को ऐड करना चाहते हैं राइट क्लिक में तो आपको उस प्रोग्राम को सर्च करना है इस टाइप बटन पर जाकर, ठीक है। तो मैं नॉर्मली इधर से VLC सर्च करता हूँ। VLC सर्च करने के बाद मुझे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, उसके बाद फाइल लोकेशन पर जाना है। फाइल लोकेशन पर जाने के बाद हम लोग को करना क्या है, ये जो VLC मीडिया प्लेयर का फाइल है ये आ गया है। आप गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, किसी भी सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं सेम प्रोसेस फॉलो करके। उसके बाद इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद नीचे प्रॉपर्टीज पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि आपको इधर एक जो है टारगेट लोकेशन देखने को मिल रहा है, सी प्रोग्राम फाइल भी वीडियो लैन VLC EXE, ठीक है। आपको क्या करना है, जो EXE फाइल है इधर से आपको ये सी है इसके ये कॉपी करना है। दो जो दोस्तों ये जो डॉट डॉट है ये आपको कॉपी नहीं करना है, सिंपल सा सी से लेकर EXE तक आप कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद ओके,
बस अभी आपको ये जो वैल्यू डाटा है इसके ऊपर राइट क्लिक करके इस लोकेशन को सिलेक्ट कर देना है, मतलब पेस्ट कर देना है, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद क्लोज। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आपको मेरा जो पहले से क्रोमा नोटपैड था अब दोस्तों VLC भी आ चुका है। अगर हम अभी VLC पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि VLC मीडिया प्लेयर ओपन हो रहा है। तो दोस्तों इस टाइप से आप इजी तरीके से गूगल क्रोम, नोटपैड, VLC मीडिया प्लेयर या फिर दूसरा किसी भी प्रोग्राम, किसी भी एप्लीकेशन को आप ऐड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर माउस के राइट क्लिक मेनू पर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह ट्रिक आपको पसंद आया है। अगर यह ट्रिक आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।